रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने और नमाज पहली सफ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, फिर इनके लिए गुरा डालने के सिवा और कोई चारा ना बाकी रहता, तो अलबत्ता इस पर कुरान अंदाजी ही करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब मिलता है, तो इसके लिए दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि ईशा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है, तो ज़रूर चौतड़ों के बल घसीटते हुए इनके लिए आते।